मध्य प्रदेश में चल रही लगातार बारिश ने स्कूल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। तेज बारिश से स्कूलों में छतों से पानी टपक रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आ रही है। जिससे परेशान होकर ग्राम परमार खेड़ी के बच्चे एक ही क्लास में बैठने को मजबूर है। और आलम यह भी है कि स्कूल के आसपास इतनी गंदगी है कि इसकी बदबू स्कूल में फैल रही है और बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है, जिसके डर से बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं और स्कूल नहीं पहुंचते। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। पढ़ने में मतलब क्या लगे, ऐसे कहाँ बैठ रहे हो आप लोग अभी इस समय? अभी पानी टपक रहा है तो कहाँ बैठ रहे हो? अभी कौन सी क्लास में बैठ रहे हो अभी? मतलब एक ही साथ में सारी स्कूल क्लास में बैठे हो ना? मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरखा लोगड़। मैडम ये जो कौन से गांव का अभी माध्यमिक विद्यालय कौन से गांव का है? ये परमार खेड़ी का है। मैडम अभी इसमें जो जर्जर हालत हो रही है इसमें रूमों की, इसकी शिकायत आपने कर दी थी मैडम? जी हाँ, मैंने 2-3 बार दे चुकी हूँ मैं ऊपर कार्यालय में भी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक तो सर कोई राशि नहीं अलॉट हुई है और अभी जो प्रोसेस है हमने आगे पहुंचा है उसको लिखित में, और सरपंच साहब को भी अवगत करा दिया है। तो सरपंच साहब भी कोई मतलब अभी तक तो सर कोई एक्शन नहीं लिया है। आगे अब उनको नॉलेज में ला दिया है, जो भी होगा वो जैसा भी होगा वो करेंगे। कौन है सरपंच, क्या नाम है उनका? नरसिंह जी सिसोदिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।